भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और दिल्ली को एक तरह से अंधे कुएं में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने। 12 लाख का कमोड कैसा होता मुझे नहीं पता, इसलिए हमने तो अंदाजे से बनाया है। आपने देखा हो तो आप बताइएगा। आखिर 12 लाख के कमोड में केजरीवाल करते क्या थे वो भी बताएं। और ऐसी 15 सीटें उस शीश महल से गायब है। देश की राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी के कार्यकर्ता कई अलग अलग कोनों में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके हाथ में पोस्टर्स हैं और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। कई पोस्टर्स में लिखा हुआ है बधाई हो दिल्ली, कट्टर भ्रष्टाचारी 12 लाख के कारण सीट भी हजम कर गए। एक और पोस्टर जिस पर लिखा है वो टोटी लेकर भाग गए, आम आदमी पार्टी कमोड लेकर भाग गए। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर एक पोस्टर में देख पा रहा हूँ आप लोगों के हाथ में जिसमें ये लिखा हुआ है कि 12 लाख के टॉयलेट सीट भी हजम कर गए, साथ में लिखा है कि वो टोटी लेकर भाग गए और आम आदमी पार्टी कमोड लेकर भाग गए। क्या मैसेज आप भाई? यूपी के मुख्यमंत्री का सुना था हमने कि वो टोटी लेके भाग गए। सब दुनिया वहां की टोटी चोर ऐसे नारे लगाती है। ये कमोड 12 लाख का कमोड कैसा होता मुझे नहीं पता, इसलिए हमने तो अंदाजे से बनाया है। आपने देखा हो तो आप बताइएगा। आखिर 12 लाख के कमोड में केजरीवाल करते क्या थे वो भी बताएं। और ऐसी 15 सीटें उस शीश महल से गायब है। ऐसी टॉयलेट सीट 15 थी वहां पर, 15 बाथरूम बने हुए थे। अब एक बाथरूम में क्या करते थे, दूसरे में क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी 15 टॉयलेट सीट वहां से गायब है। 12 लाख की एक टॉयलेट सीट है। 1.5 करोड़ से ज्यादा का माल दिल्ली के लोगों का वो हजम कर गए। तो हम तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथ जोड़ के खड़े हैं कि वो टॉयलेट सीट दिखा दो, हमें बता दो कहां पर है। आप ये कह रहे हैं कि टोटी पहले उत्तर प्रदेश में निकाली गई और अब दिल्ली में घर का सामान निकाल लिया। दिल्ली में कमोड निकाल लिए गए। ये 6 करोड़ के पर्दे भी उठा सकते थे, 4 करोड़ की मसाज कुर्सी भी लेके जा सकते थे, 1 करोड़ की रेलिंग भी ले सकते थे। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि आखिर ऐसे कमोड में है क्या जो अरविंद केजरीवाल छुपाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जवाब दे रहे हैं। आप उनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग आप रखते हैं? हमारी सीधी सी मांग है कि उस शीश महल में 45 करोड़ से ज्यादा का विलासिता का सामान लगा है वो किसका पैसा है, अरविंद केजरीवाल जवाब दें। तुम अरविंद केजरीवाल रिक्शे वालों से, ऑटो वालों से 5-5, 10-10 रुपए, 100-100 रुपए लेते थे। तुम उनकी गुल्लक तोड़ के खा गए, तुमने उनके विश्वास को ठगा है। तुम कहते थे कि मैं सरकारी बंगला सरकारी सुविधाएं नहीं लूंगा, तुमने अपने बच्चों की झूठी कसम खाई है, तुम्हें उसका जवाब देना पड़ेगा। तुमने हर उस दिल्ली वाले को धोखा दिया जिसके साथ तुमने ठगा है। तुम कहते थे कि मैं दिल्ली को स्वर्ग बनाऊंगा। दिल्ली की जो पोल्यूशन की हालत है, हर दिल्ली में तीसरा आदमी बीमार है जस्ट क्योंकि आपने पोल्यूशन पे कभी काम नहीं किया। तो भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मेंस और दिल्ली को एक तरह से अंधे कुएं में धकेलने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। आखिरी प्रश्न में लूंगा, आपने पोल्यूशन की बात की, आज दिल्ली में सबसे खराब श्रेणी में इस वक्त एयर क्वालिटी है, 320 से ऊपर तक AQI पहुंच गया है, आप इसको किस तरह से देखें? कौन जिम्मेदार है इसका बताएं? अरविंद केजरीवाल या वो आतिशी मार लेना बताएं कौन जिम्मेदार है? पिछले 10 सालों से आपकी सरकार है, एक काम बताइए आपने क्या किया? एक एयर प्योरीफायर लगाया था बाबा खड़ा सिंह मार्ग पे, वो 20 करोड़ का भ्रष्टाचार आपको दिखा रहा है, बंद पड़ा है वो भी, कि मुझे भी आपने लूटने का बनाया। या ये इवेंट मैनेजमेंट करेंगे कि वहाँ सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, इंजन ऑफ इंजन बंद, उससे पोल्यूशन खत्म नहीं होगा जी। पोल्यूशन के लिए आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, CND वेस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा जो आप नहीं करते हैं। आज भी 3100 टन CND वेस्ट डेली अनट्रीटेड खड़ा होता है दिल्ली में। अगर पोल्यूशन को खत्म करना है लॉन्ग विजन के साथ 12 महीने काम करने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में कुछ किया नहीं है। तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफी भारी संख्या में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के ठीक बाहर मौजूद हैं और उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है। दिल्ली बीजेपी का ये भी आरोप है कि जब अरविंद केजरीवाल ने 6 फ्लैगस्टाफ रोड खाली किया तो वहां से ना सिर्फ कमोड बल्कि कई और चीजें जो है वो लेकर वहां से चले गए।